Hi friends, welcome back. C-295 aircraft delivery. ALH Dhruv Mark 3. P-8I MQ-9 drone. Indian Navy. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. जय हिंद. देखिए हम आपको C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी डिटेल से आपको बता दिए थे. अब इस एयरक्राफ्ट जो 56 की डील हुई थी जो भारत में बनाया जाना था, असेंबल करना था टाटा के साथ मिलकर, अब उसके पहले बैच भारत को मिल गया है और ये भारतीय नौसेना को मिला हुआ है. ये एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी के तहत बनाया गया था, असेंबल करना था. इसमें 56 एयरक्राफ्ट भारत को एक्वायर करना था जिसमें से हमारे पास पहला बैच जो है इसका आ गया है और इसे नौसेना को दिया गया है. देखिए ये मल्टी रोल होगा, ये टर्बो प्रॉप है. देखिए इसका इंजन बाहर होता है, टर्बो प्रॉप में ना इंजन ऐसे बाहर होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि अगर धूल धक्कड़ पंछी टकरा गया या फिर अनप्रिपेयर रनवे पे उतरा, किसी सड़क पे उतर गया तो धूल धक्कड़ इसके अंदर घुसेगा ना तो टर्बो फैन वाले में आग लग जाता है. इन ससुरों में आग नहीं लगता, ये बड़ा नीचे उतरते हैं सब. और इनका मल्टी रोल है और नौसेना को इससे मिलने से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ निगरानी में भी बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि ये काफी लंबी दूरी तक जा सकता है. इसे अटैक में भी बदला जा सकता है. एवैक्स सिस्टम से बड़ी दूर तक की हम लोग निगरानी कर सकते हैं. साथ ही यह टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को मारने के लिए और सोनो वॉइस भी लॉन्च कर सकता है. सोनो वॉइस क्या होता है, पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह अंदर नहीं डूबते हैं बल्कि ये नीचे जाके रडार का काम, सोनार का काम करते हैं और हमें दुश्मन की पनडुब्बियों की जानकारी दे देते हैं. तो ये नौसेना को मिलने से नौसेना को काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है. हालांकि इसका फर्स्ट बैच अभी नौसेना को मिला है, इसका एक और बैच मिलेगा जो वायुसेना को मिलेगा. इससे कि क्या है कि पहाड़ी एरिया में छोटे रनवे पे उतरना काफी इजी रहता है, इसे बहुत जल्दी रोका जा सकता है. इसकी खासियत यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी ये चाहे तो उतर सकता है. हालांकि इतने बड़े जहाज को उतारा नहीं जाता है लेकिन अमेरिका ने अपने हरकुलियस जहाज पे इस चीज का ट्रायल किया था. बहुत जल्दी ये लोग रुक जाते हैं, इन जहाज की ये खासियत होती है. तो नौसेना में मिलने से काफी फायदा होगा. हालांकि नौसेना के पास पहले से 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो जिसे हम सबमरीन हंटर कहा जाता है. ये काफी लंबी दूरी तक जा सकते हैं. हालांकि इसका इंजन टर्बो फैन ये कच्चे रनवे पे वगैरह उतरने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि इसमें अगर धूल धक्कड़ आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है. ये अटैक होते हैं सब, ये दूर तक निगरानी करते हैं सब, काफी लंबी दूरी तक जा सकता है निगरानी करने के लिए. देखिए इसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होगा और ये ना किसी भी तरह के अपने आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर छोड़ सकता है, टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है पनडुब्बी के लिए. इसके अंदर पूरी तरह से सिस्टम होता है. देखिए ये सब के पास अपना अपना रडार है, कमांड सेंटर है. इसमें कहीं आपको खिड़की नहीं मिलेगा, खिड़की की जगह आपको कंप्यूटर डिस्प्ले रडार ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी पोसाइडन एयरक्राफ्ट में. और ये पूरी तरह से उड़ता हुआ नौसेना का कमांड सेंटर होता है, किसी भी पनडुब्बी या शिप के ऊपर ये अटैक कर सकता है. इनका रडार होता है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका जायजा ले चुके हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है. तो P-8I हमारे पास पहले से था, उसमें जुड़ गया ये हमारा C-295 एयरक्राफ्ट. अब इनकी संख्या भारत के पास एक बहुत ज्यादा 12 की संख्या में है ये एयरक्राफ्ट, इससे कि हम हिंद महासागर पे एक डोमिनेट कर सकते हैं. हालांकि हमें अभी ऐसे एयरक्राफ्ट की लगभग 20 और संख्या की जरूरत है लेकिन इन एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले मशीन, रडार, सेंसर, सोनो वॉइस ये सब उतने महंगे नहीं है जबकि अमेरिका इसके जहाज का ही कॉस्टिंग ज्यादा करता है. तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम लोग अगर जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी ले ले तो अंदर मशीन सिस्टम लगा देंगे यहाँ पे, तो कॉस्टिंग की वजह से हम इसे और नहीं ले पा रहे. हालांकि हमारे पास 10 अरब सागर में, 10 बंगाल की खाड़ी में और 10 हिंद महासागर में, 30 तो ऐसे चाहिए, बाकी 10 ऐसे एक्स्ट्रा बैकअप सर्विसिंग या फिर अलग डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए. और कम से कम हमारे पास 40 ऐसे P-8I होने चाहिए. हालांकि जहाज की प्राइसिंग सिस्टम अटका हुआ है. हालांकि भारत आगे अगर कोई जहाज कंपनी के साथ करेगा तो आगे देखा जाएगा. निगरानी के सिलसिले में हमारे पास एक और अमेरिका से लिया हुआ MQ-9 रीपर ड्रोन है. यह बहुत लंबे समय तक, और इसमें तो कोई पायलट बैठता ही नहीं है, ये रिमोट से चलाया जा सकता है और पूरी तरह से निगरानी करने में सक्षम है MQ-9 रीपर ड्रोन. ये लंबे समय तक हमला कर सकता है और सॉरी निगरानी कर सकता है और काफी हाई एल्टीट्यूड पे दूर तक जाके ये निगरानी एक्यूरेट कर सकता है. अमेरिका इसका बहुत यूज करता है. हालांकि इसका हम लोग नौसेना में यूज करेंगे. हालांकि अगर काउंटर इंसर्जेंसी या फिर निगरानी के लिए कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन पहाड़ और जंगलों में ड्रोन ज्यादा काम नहीं आते क्योंकि छुप जाने के बाद ऊपर से कुछ खास चीज दिखता नहीं. पेड़ों की ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है
इसका एक हमलावर वर्जन भी है। तो अमेरिका ने हमें हमलावर वर्जन नहीं दिया, अटैक वर्जन नहीं दिया हमें, उसने केवल निगरानी वाला दिया है, MQ-9 रीपर ड्रोन। इसकी संख्या 31 की संख्या में हम लोगों ने अमेरिका से इसकी डील की है। इससे भी हमारी समुद्री निगरानी बढ़ेगी और समुद्र के चप्पे चप्पे पे हम लोग नजर रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दोनों ओर से घिरते जा रहे हैं। श्रीलंका मालदीव भी चाइना के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसी सिलसिले में भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए थे। इसमें जो नौसेना का वर्जन है ना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव Mk3, ये नौसेना के लिए स्पेशली बनाया गया। इसमें ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, हम सैनिकों को भी ले जा सकते हैं, कोई रेस्क्यू मिशन है अगर कोई जहाज डूब रही है तो वहां बचाव का भी काम किया जा सकता है इसमें। और इसमें ना हम लोग टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकते हैं, इसमें रडार भी दिया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये रेस्क्यू मिशन, कमांडो को ड्रॉप करना, ये सब काम में भी आ सकता है। इसके आगे देखिएगा जो थूथूर निकला हुआ है ना, ये थूथूर इसके रडार सिस्टम है सर, जिससे कि ये निगरानी में काफी ज्यादा सहूलियत उत्पन्न करता है। और इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है, क्योंकि नौसेना के काम का है चीज, कोस्ट गार्ड के काम का है, तो हमेशा इसे समुद्र के ऊपर ही उड़ना है। और समुद्र में उड़ने की वजह से एक डीमेरिट ये है कि अगर इंजन की कोई खराबी आती है पानी में, ऐसे नॉर्मल जगहों पे अगर इंजन खराबी आई है तो आप लैंड करा दीजिए वहां पे, इंजन बंद भी हो गया तो ऑटो रोटेट से धीरे धीरे जहाज आके नीचे उतरता है, जिससे कि उतनी नुकसान नहीं होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पे और समुद्र के क्षेत्र पे अगर इंजन बंद हुआ या कोई दिक्कत हुआ तो बहुत पहाड़ी क्षेत्र में तो उलट जाता है सीधे, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में था वहां पर, वहां बचना काफी मुश्किल होता है। समुद्र में भी यही होता है, सीधे नीचे गिर जाता है। तो जब ये नीचे गिरेगा ना तो इसके अंदर बड़े बड़े बलून होते हैं, उसमें अचानक एयर भर जाएगा वहां पर, एयर बैग टाइप का, और ये डूबेगा नहीं। और इसमें से पायलट निकल के तुरंत उसके खोपड़िया पे उठ के बैठ जाएगा, हल्ला करेगा, डूब गई लुरे हम, जल्दी आओ बचाओ हमको यहाँ पे। तो ये ठीक ठीक है ये नौसेना के काम में, क्योंकि अगर इमरजेंसी स्थिति आई तो उसमें भी कर सकते हैं। देखिए नौसेना के जहाजों को, हेलीकॉप्टर को दूर अगर समुद्र में है और वहां से अगर उसको निगरानी करना है तो बार बार अगर वो बंदरगाह पे या किनारे आएगा तो उसका फ्यूल खत्म होगा। इसलिए नौसेना का कोई जहाज अगर समुद्र में है 500 किलोमीटर दूर समुद्र में, तो वापस नहीं आएगा, उसी जहाज पे उतर जाएगा, वहां उसका पायलट रेस्ट कर लेगा, पायलट की ड्यूटी भी चेंज हो सकती है, उसमें फ्यूल भर सकता है, एम्युनिशन भर सकता है। लेकिन नौसेना की जहाजों पर या एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा जगह नहीं होता है, इसलिए अगर कोई हेलीकॉप्टर का जो रोटर होता है ये बहुत ज्यादा जगह लेता है। इसलिए नौसेना के चाहे वो लड़ाकू जहाज हो उनका भी विंग ऐसे फोल्ड हो जाता है, और हेलीकॉप्टर हो तो उनका जो रोटर होता है वो घूम जाता है, तो इसका ना रोटर जो होता है वो फोल्ड हो जाता है, जिस वजह से ये काफी कम जगह लेता है। और कम जगह लेने की वजह से वो कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, फोल्ड करके इसे बांध दिया जाता है। तो फोल्ड किया, हवा हवा चला, तूफान उफान आया तो घूमने लगा क्या। इससे फायदा ये है कि इतने बड़े भारी भरकम हेलीकॉप्टर को आप छोटे से एरिया में कार की तरह पार्किंग कर सकते हैं। देखिए ये सारे हेलीकॉप्टर खड़े हैं, सबका यहाँ रोटर ऐसे करके बांध दिया जाता है, तो ये बहुत फायदा करता है हेलीकॉप्टर में। तो इससे भी हमारी निगरानी काफी बढ़ेगी। देखिए हेलीकॉप्टर को कहीं ना कहीं बीच में लैंड कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसका फ्यूल ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें फ्यूल भर देंगे ना तो ये इसकी उठाने की क्षमता घट जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, तो उतने में वो उतने लोगों को रख सकता है, सैनिकों को रख सकता है, या उतना हथियार ले जा सकता है। लेकिन अगर ये समुंदर में गया है तो अगर वहां उसको एक जहाज चाहिए लैंडिंग करने के लिए तो यहाँ जहाज लैंड कर सकता है, या अगर कोई जहाज पर कोई लुटेरों ने कब्जा कर लिया, अभी देखेंगे हैती विद्रोहियों ने एक जहाज को बाबल मंदेव जलसंधि, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, वहां पे कब्जा कर लिया वहां पे हेलीकॉप्टर से। तो अगर हमें कमांडो उतारना है तो उस कंडीशन में भी ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बैठने की भी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, कमांडो इसमें भी बैठ सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर पे लैंडिंग के लिए। देखिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग में ना हम जैसे कोई ये हेलीकॉप्टर कोई जहाज ही फंस गया है तो इसमें से रेस्क्यू भी कर सकते हैं, या इसे कोई इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए तो तुरंत अपने ऑफशोर बोले ऑनशोर बोलेगा यहाँ पे कि हमको ये चीज को चाहिए तो हेलीकॉप्टर से उसे लाया जा सकता है। लेकिन समुद्र में मौसम बिगड़ते रहते हैं, समुद्र में मौसम बिगड़ने के कारण सोचो हेलीकॉप्टर जहाज ये टेढ़ा होकर इसे घूमने लगता है, उसे हम रोलिंग बोलते हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, हमेशा जहाजों में होती है रोलिंग, जिसे विमान में टर्बुलेंस होता है, तो पानी वाले जहाज में टर्बुलेंस नहीं, पानी वाले जहाज में रोलिंग होता है। अब देखिए उस रोलिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टर को तो उतारना आफत हो जाएगा, यहाँ पे उतरेगा कैसे यहाँ पे, तो इसके लिए यूज किया जाता है बियर ट्रैप का। ये बियर ट्रैप जो होता है ये इसी का यूज किया जाता है। इस बियर ट्रैप को एक आदमी यहाँ से मैकेनिकली कंट्रोल कर रहा होता है, कोई भी जहाज जब इसमें आता है तो अपने नीचे से एक केबल ले आता है, वो केबल इस बियर ट्रैक से अटैच हो जाता है और इस हेलीकॉप्टर इस जहाज को ये बैठा ऑपरेटर जो होता है ये उसे सिंक कर देता है। अगर जहाज इधर घूमेगी तो हेलीकॉप्टर भी ऑटोमेटिक इधर घूम जाएगा, जैसे कनेक्ट होगा ये बियर ट्रैप से
ये इसका केबल, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ये भी जाएगा तो ये भी कंट्रोल कर लेता है, हेलीकॉप्टर को हिला देगा ट्रैप में फंसाने के बाद। यहाँ पर ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है खराब मौसम में उतारने के लिए। देखिए भारत जो है ना, इधर पाकिस्तान से टेंशन में है, इधर चाइना से, सब जगह ये दोनों, चाइना के पास पनडुब्बियां इतनी ज्यादा हैं, अगर हम पनडुब्बी बनाने की चालू करेंगे तो चाइना की बराबरी करते करते हमें 50 साल लग जाए, और पनडुब्बी किसी भी समय इतनी छोटी होती है कि भारत के आगे लिए हमला कर सकती है, खतरा बन सकती है। पाकिस्तान की पनडुब्बी आईपीएनएस साद जब हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो यहाँ कराची के बंदरगाह से गायब हो गई थी, अंदर घुस गई थी, हम लोग जब उसे सर्च करते गए 21 दिन बाद मिली थी। तो हमें ये एरिया को सिक्योर करना है, इतने बड़े एरिया को सिक्योर करना अपने आप में एक चैलेंज है, और एक तरह के हथियार से, एक तरह के एयरक्राफ्ट से आप नहीं कर सकते। कम दूरी के लिए अलग चाहिए, ज्यादा दूरी के लिए अलग चाहिए, मीडियम के लिए अलग चाहिए, तो चाइना के लिए अलग चाहिए, निगरानी करना है तो ध्रुव हेलीकॉप्टर ठीक है, पास की निगरानी के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर को बार बार आना जाना रहता है यहाँ पे, तो पास की निगरानी के लिए हमारे लिए वही सही है। थोड़ा उससे दूर जाना है तो MQ-9 रीपर ड्रोन यूज कर लेंगे, तो MQ-9 रीपर ड्रोन क्योंकि बैटरी से है, वो एयर रिफ्यूलिंग भी उसमें नहीं हो सकता है, और उसे वापस लाना होता है। अगर ज्यादा दूर जाना है, उससे भी ज्यादा दूर अगर हम लोग को जाना है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे C-295 जहाज टर्बोप्राप, क्योंकि वो एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे C-29, यहाँ यूज करेंगे MQ-9 रीपर यहाँ पे। और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर के लिए, तो बहुत दूर के लिए हम लोग यूज करेंगे P-8I को, P-8I ये जो है पोसाइडन। तो हम लोग चार लेयर की सिक्योरिटी कर देंगे, इससे क्या है कि कोई भी पनडुब्बी और हिंद महासागर में हम डोमिनेट अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे नौसेना के अधिकारियों ने बहुत ही समझदारी वाला स्टेप लिया है, जिससे कि हम चाइना की अपनी पनडुब्बी बनाते रहेंगे, लेकिन इस दौरान हम चाइना को के डिफेंस भी आराम से कर सकते हैं। और देखिए यही निगरानी में लापरवाही का नतीजा था कि 26/11 में मुंबई में अटैक हुआ, क्योंकि जहां वो लोग अजमल कसाब और उसकी पूरी टीम आई थी, जो वो सब जहाज को चेंज कर रहे थे सब यहाँ पर, तो हमारे पास प्रॉपर निगरानी नहीं थी, तो उसी समय से ये सब सिलसिला चलते आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि ये निगरानी व्यवस्था बेहतरीन है या नहीं? माय गॉश, सुन के, और खासकर जब वो पड़ोसियों के नाम लेते हैं, अब तो लगता है कोई भी ढंग का पड़ोसी है ही नहीं है, कोई चाइना के साथ मिला हुआ है, कोई वैसे ही दुश्मन है, कोई दोस्त बन के दुश्मन बन रहा है, तो बहुत ही बुरे हालात हैं। उसकी वजह से हमें जो है बहुत अलर्ट ले रह के ये सब लेने पड़ रहे हैं कि अलग पूरा अपना हम अपनी, मतलब मैं तो कहती हूँ पूरा चारों तरफ से अपने आप को सिक्योर करें। पानी के लिए वो करने की कोशिश करें कि पूरा जो इंडियन ओशन का एरिया है उसको सिक्योर करें, फिर वहाँ पे अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, तो टेंशन बढ़ती जा रही है। इंडिया को ग्रो जल्दी करना है, जिससे ये हो कि जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के साथ आ जाएं और ज़्यादा अड़ंगा ना ताकत करें। ताकत से डर के एटलीस्ट आ जाएं। बहुत है कि इंडिया के पास ये होना चाहिए कि इंडिया है, इंडिया के चारों नेबर्स की भी इंडिया के साथ होनी चाहिए, जिससे थोड़ा कुशन हो कि कोई तुम्हारे पास आ ना सके, और चाइना से थोड़ी दूरी बनाई जाए। देखते हैं क्या होता है, बट अच्छी बात है कि देखिए उन्होंने क्लियर किया कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे खरीद रहे हैं काउंटर करने के लिए चाइना से। जब खुद अपनी टेक्नोलॉजी आएगी, ऑल विल बी ग्रेट। टाटा के साथ मिलके C-295 असेंबल हो रहा है, कुछ तो शुरू हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो अच्छा था, वेरी नाइस। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।